आपने कई फिल्मों में एक सीन देखा होगा जिसमें एक अकेला हीरो 5-6 लोगों से फाइट कर रहा होता है। हीरो के हाथ में होता है एक डंडा जिससे वो बिजली की तेजी से चारों तरफ घुमाकर दुश्मन को ढेर कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी फिल्मी बातें क्यों कर रहा हूँ। वेल, इसका कारण है आज का हमारा इंडिजिनस गेम जो कि कुछ इसी फाइट आर्ट से रिलेटेड है। मैं हूं आपका होस्ट रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन का ये बेहद खास प्रोग्राम इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पुडुचेरी के फेमस खेल सिलंबम की। दक्षिण भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। दक्षिण भारत का ये भूभाग अपनी युद्ध कलाओं के लिए भी काफी फेमस रहा है और इन्हीं में एक नाम है सिलंबम। तमिल भाषा में पहाड़ों को सिलम कहा जाता है और इन्हीं पहाड़ों से निकलने वाली इस मार्शल आर्ट या युद्ध कला का नाम है सिलंबम। सिलंबम एक वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसमें सबसे मुख्य हथियार होता है बैम्बू स्टिक यानी बांस की बनी हुई लाठी। भारत में हजारों साल से चली आ रही ये युद्ध कला आज मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका और इंडोनेशिया जैसे देशों में प्रैक्टिस की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सिलंबम की युद्ध कला प्री हिस्टोरिक टाइम से ही प्रैक्टिस की जाती थी। बस फर्क इतना है कि उस समय में बांस से बनी हुई लाठी का इस्तेमाल लोग जानवरों का शिकार या फिर उनसे अपनी सुरक्षा के लिए करते थे, लेकिन धीरे धीरे यही कला सिलंबम मार्शल आर्ट के रूप में विकसित हुई। ऋषि अगस्त्य को प्राचीन युद्ध कला का पहला गुरु माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि अगस्त्य को सिलंबम की युद्ध कला सबसे पहले भगवान शिवजी के पुत्र ने सिखाई थी। शिवजी के इस पुत्र को साउथ इंडिया में भगवान मुरुगन जबकि नॉर्थ इंडिया में भगवान कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है। ऋषि अगस्त्य ने तमिलनाडु के पहाड़ों में रहने वाली नरीकुरवा जनजाति को यह कला सिखाई। सिलंबम कला का उपयोग इस जनजाति के लोग शिकार करने के लिए करते थे। पहाड़ों में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों ने नरीकुरवा जनजाति से ये कला सीखी और फिर ये कला गुरुकुल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई। राजाओं के संरक्षण में ये युद्ध कला धीरे धीरे काफी विकसित हुई। सिकंदर और पोरस के बीच हुई लड़ाई के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस युद्ध में पोरस की सेना ने बैम्बू स्टिक का यूज करके सिलंबम कला से भी युद्ध किया था। इनफैक्ट द्रविड़ राजाओं की पैदल सेना में एक टुकड़ी सिलंबम फाइटर्स की भी होती थी। भारत में युद्ध कलाओं का इतिहास काफी पुराना और रोमांचक रहा है। इन्हीं युद्ध कलाओं में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर इनको एक खेल की तरह लोगों तक पहुंचाया गया है। सिलंबम की बात करें तो अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इसका मुख्य हथियार है डंडा, लेकिन इसके अलावा कई और वेपन्स हैं जो कि सिलंबम में यूज किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन हथियारों के बारे में और इन्हें यूज कैसे किया जाता है। सिलंबम एक वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है जिसमें सबसे प्रमुख हथियार होता है बांस की बनी हुई लाठी, लेकिन इसके अलावा कुछ और हथियार जैसे मादुगु यानी डियर हॉर्न, काठी यानी नाइफ और वाल यानी सोर्ड का भी प्रयोग होता है। इसके अलावा सिलंबम के अनआर्म्ड वर्जन में जानवरों की मुद्राओं जैसे स्नेक पोज, टाइगर पोज या ईगल पोज का उपयोग करके भी फाइट्स की जाती हैं। सिलंबम सिखाने में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत ही महत्व है। सिलंबम की मुख्यतया 16 टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स को सीखने का पहला स्टेज होता है कलादि। इसमें गुरु अपने शिष्यों को सिलंबम के दौरान फुटवर्क यानी अपने पैरों को कैसे चलाना है इसकी शिक्षा देते हैं। इस दौरान फिटनेस और लचीलापन बढ़ाने की शिक्षा देते हुए शिष्य को सिलंबम के लिए तैयार किया जाता है। अगला स्टेज होता है कुट्टू वरिसाई, जिसमें शिष्य को लाठी या डंडा चलाने की प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। पहले बिना डंडे के प्रैक्टिस कराया जाता है और फिर डंडे के साथ। धीरे धीरे फुटवर्क और डंडे की मूवमेंट को प्रैक्टिस करके इसमें एक्सपर्ट बना जाता है। इस ट्रेनिंग का अल्टीमेट गोल होता है कई सारे दुश्मनों से अपनी सुरक्षा कर पाना। सिलंबम की ट्रेनिंग सामान्यतया छोटे ग्रुप में या 1-to-1 की जाती है। ट्रेनिंग में लगभग 10 स्टेज होते हैं जिनको पूरा करने में कई बार 7 साल तक का समय लग सकता है। पहला स्टेप होता है ओथाई विच्ची, जिसमें मसल्स, नर्व्स और टेंडन की कंडीशनिंग पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा स्टेप है येरेथाई विच्ची, जिसमें बेसिक स्पिनिंग और रोटेटिंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। तीसरा स्टेप है सिलक वरुसाई,
इसमें 96 डिफरेंट एंगल्स पे स्पिनिंग टेक्निक्स की ट्रेनिंग होती है। संदाई मरुथम चौथा स्टेप है जिसमें अलग अलग एंगल से स्ट्राइकिंग टेक्निक सिखाई जाती है। पांचवा है ओथुकल मुराई जिसमें डिफेंसिव एंड इवेसिव स्ट्रेटजीज की ट्रेनिंग होती है। अधिक अम्बुगल सिक्स स्टेज है जिसमें स्ट्राइकिंग टेक्निक्स के 36 सेट्स होते हैं और हर एक सेट में 12 स्ट्राइकिंग टेक्निक्स होती हैं। पुरी वेथ्यू अधिपेतु है सातवां स्टेज जिसमें प्रेशर पॉइंट अटैक और उसको काउंटर करना सिखाया जाता है। आठवां स्टेज है कंथन जिसमें कॉम्बैट की जरूरी रणनीति सिखाई जाती है। नरीकरु नाइन्थ स्टेज है जिसमें एनिमल स्टांसिस की ट्रेनिंग दी जाती है। अंतिम स्टेज है उच्चकत्ता निलई जिसमें इंडिविजुअल को परखने के लिए स्पेशल टेस्ट कराए जाते हैं। सिलंबा में एक मार्शल आर्ट फॉर्म तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसे एक स्पोर्ट के रूप में भी खेला जाता है। इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनके आधार पर इस खेल की प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। सिलंबम में मेनली दो तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं। पहला है सेल्फ स्किल कॉम्पिटिशन यानी आर्टिस्टिक इवेंट और दूसरा है कॉम्बैट कॉम्पिटिशन। इन दोनों कॉम्पिटिशन के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा नजर डाल लेते हैं इसके फील्ड ऑफ प्ले के डायमेंशन पर। दोनों ही तरह के इवेंट सर्कुलर मैट पर होते हैं। मैट पर तीन सर्कल्स होते हैं। सबसे छोटा सर्कल 2.5 फीट रेडियस का होता है और ये येलो कलर का होता है। इसे स्टार्टिंग जोन कहा जाता है। मिडिल सर्कल 10 फीट रेडियस का होता है और इसका कलर ब्लू होता है। इसे कॉम्बैट जोन कहा जाता है। आउटर सर्कल 12 फीट रेडियस का होता है जो रेड कलर का होता है। इसे कॉशन जोन कहा जाता है। मैट के चारों तरफ जजेस होते हैं जो स्कोरिंग करते हैं। आर्टिस्टिक इवेंट मेनली पांच तरह के हैं। पहला है ओत्रई कंबू वीचू यानी सिंगल स्टिक रोलिंग। इसमें प्रतिभागी को सिंगल स्टिक का उपयोग करके अटैक और डिफेंस करने की कला का प्रदर्शन करना होता है। दूसरा है इरतई कंबू वीचू यानी डबल स्टिक रोलिंग। इसमें प्रतिभागी को दोनों हाथों में स्टिक लेके तेजी से घुमाते हुए डिफेंस और अटैक एक साथ करने की कला का प्रदर्शन करना होता है। तीसरा है वाल कंबू वीचू। इसमें मुख्य हथियार होता है डंडे के ऊपर लगा हुआ नुकीला भाला। इस हथियार का उपयोग करके डिफेंस के अलावा एक साथ कई विरोधियों का सामना किया जा सकता है। चौथा है वाल वीचू जिसमें घुमावदार तलवार का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिंगल तलवार और डबल तलवार दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। पांचवा आर्टिस्टिक इवेंट है सुरूल वाल वीचू जिसमें लचीली स्टील की विप का प्रयोग किया जाता है। इसकी हाइट 4.5 फीट से 6 फीट तक होती है जो प्रतिभागी की हाइट के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। इसमें भी डिफेंस और अटैक के बहुत सारे तरीके हैं जिनका सिंगल सुरूल वाल और डबल सुरूल वाल दोनों ही तरीके से प्रदर्शन करना होता है। हर एक प्रतिभागी को 2 मिनट का समय मिलता है जिसमें उसे कई तरह की स्किल्स का प्रयोग करके जजेस को इंप्रेस करना होता है। कॉम्बैट कंपटीशन को कंबू संदई कहा जाता है जो आमने सामने की लड़ाई होती है। इसमें 2-2 मिनट के 3 राउंड होते हैं और हर एक राउंड के बीच 1 मिनट का ब्रेक होता है। हर एक खिलाड़ी को अपने स्टिक या वेपन से अपने ओपोनेंट को टच करना होता है। हर एक टच के लिए मिलता है 1 पॉइंट, लेकिन सर, गर्दन, चेहरा, हिप से मिड थाई और एल्बो से फिंगर्स तक के एरिया को आप टच नहीं कर सकते। मैट के चारों तरफ बैठे जजेस सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के पॉइंट्स देते हैं और 3 राउंड के बाद विजेता का फैसला होता है। इसके अलावा भी सिलंबम की कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग अलग अलग तरह की फाइट के लिए किया जाता है। इसमें सबसे प्रमुख नाम है निलय कलक्की। ये सिलंबम की प्राचीनतम तकनीकों में से एक है। निलय कलक्की का मतलब होता है लगातार मुद्राएं बदलना। सिंगल लाठी से एक साथ कई योद्धाओं का सामना करना निलय कलक्की तकनीक का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा अटैक से बचने की भी कई सारी कलाएं सिलंबम की ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं, जैसे थिरप्पू यानी लॉक्स को काउंटर करने की तकनीक या फिर कोलुवुथल यानी ब्लॉकिंग और अटैक दोनों एक साथ करना। एक एक्सपर्ट सिलंबम प्रैक्टिशनर वर्मा कलाई यानी प्रेशर पॉइंट फाइटिंग का भी एक्सपर्ट होता है। उसे पता होता है कि शरीर के किस अंग को स्ट्राइक करने से ओपोनेंट को गिराया या बेहोश किया जा सकता है।
ऑल इंडिया सिलंबम फेडरेशन 2004 में गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में रजिस्टर हुई और तब से ये संस्था लगातार सिलंबम के कॉम्पिटिशन आयोजित करवा रही है। इसके अलावा ये संस्था इस खेल को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने के लिए भी काफी प्रयासरत है। तो ये थी एक खूबसूरत से खेल की एक खूबसूरत सी कहानी और उससे जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारी। आई होप अगली बार जब आप किसी फिल्म में हीरो को अकेले ही एक डंडे से दुश्मनों की छुट्टी करते हुए देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सिलंबम का कमाल है। ऐसे ही कुछ कमाल के खेलों के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे हमारे फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन के इस बेहद खास प्रोग्राम इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया में। तब तक के लिए यू स्टे फिट। जय हिंद।